हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है लव रीडिंग फॉर लियो। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि लियो है, आप अपना प्यार का डिसीजन अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू लूज इवन अ सिंगल बिट। तो आप चाह रहे हैं कि जो भी डिसीजन है वो आप खुद लें और किसी और को ये डिसीजन ना लेने दें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बेसब्री से आप वेट कर रहे हैं उस इंसान का कि कब वो घड़ी आए आप उस इंसान से मिले, आपकी उस इंसान से बात हो सके, कुछ फैक्ट्स आपको क्लियर करने हैं, जैसे कि आप कब मिले थे, आपने क्या डिसाइड किया था और अब क्या होने वाला है, क्या सच में जो आपने वादे किए थे वो आप पूरे करने वाले हैं या फिर वो इंसान वो वादे भूल गया है, ये सब आपको उनको याद दिलाना है। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आप दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चर्चा करने पे आपकी जोर चल रही है, आप चाह रहे हैं कि डिस्कशन करें और डिस्कशन करते हुए आगे बढ़े। टू ऑफ पेंटाकल्स, सो जगलिंग चल रही है यहाँ पे, होश उड़ने वाले कुछ बातें आप क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका जो पास था कि आप किसी के साथ थे वो आपको क्लियर करना है या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको क्लियर करनी है। ए सब पॉइंट्स अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें आपको आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आपकी फ़ोन पे बात हुई है उस इंसान के साथ तो वो भी कह रहे हैं कि उनको भी आगे बढ़ने में थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। द हर्मिट, तो यहाँ पे आपको रास्ता कौन दिखाएगा, तो द हर्मिट। तो जो भी द हर्मिट है आपके जीवन में मार्गदर्शक हैं, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके गाइड, आपके टीचर हो सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे और कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एट ऑफ सॉर्ट्स, तो आप घिरे हुए हैं बहुत सारे शंकाओं से, बहुत सारे शंकाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या है कि शंकाओं के कारण आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। देखिए, भविष्य को हम नहीं रोक सकते, भविष्य तो आने वाला है, या तो अच्छा आएगा या तो बुरा आएगा। अच्छा है बुरा है हमारा सहूलियत से हम कह रहे हैं, लेकिन जब किस्मत लिखी गई है तो किस्मत कभी अच्छी बुरी नहीं होती, किस्मत किस्मत होती है, तो बस हमें उस पर ध्यान करना है। फोर ऑफ सॉर्ट्स, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, नेगेटिव चीज़ों से रेस्ट की ज़रूरत है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। द मून, तो इमोशनल इम्पैक्ट आप पे काफ़ी हद तक हो रहा है, काफ़ी हद तक पड़ रहा है, इमोशनली आप वीक पड़ते जा रहे हैं। आपको लग सकता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, लेकिन इमोशंस का सहारा आप ले रहे हैं और इमोशंस का सहारा लेके आप अपने डिसीजंस जो है वो पेंडिंग कर रहे हैं, पेंडिंग रख रहे हैं, या डिसीजन एक साइड से झुका रहे हैं, तो इस पे आपको काम करना होगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, तो कोई मददगार आपको मिल सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच दुआ बन सकता है, जो आप दोनों लवर्स के बीच एक कॉमन कनेक्शन बन सकता है। किंग ऑफ सॉर्ट्स, तो आपकी जो फादर फिगर हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनसे कुछ बातें छुपा के मत रखना, उनसे आप बातें क्लियर करना कि आप किसी के प्यार में हैं तो हैं, या फिर आपने किसी को भुला दिया है, तो जो भी आपके दिल में है वो आपके फादर फिगर के साथ डिस्कशन कीजिए और डेफिनेटली आपको मार्गदर्शन करेंगे। फाइव ऑफ सॉर्ट्स, तो कुछ चीज़ों को भुला देना ही बहुत ज़रूरी होता है और आप पास को लेके चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पास को पास में रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो हमें नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए, तो यहाँ पे मार्गदर्शन की ज़रूरत आपके लवर को है। आपका जो लवर है, आपका जो साथी है, वो वेट कर रहा है कि कब उनको मार्गदर्शन मिले। आपको तो मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन उनको मार्गदर्शन कब मिलेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिक्स ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मदद डेफिनेटली मिलने वाली है, लेकिन मदद मिलने में 2 से 4 हफ्ते लगने वाले हैं, 2 से 4 हफ्ते, तो इतने समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। सेवन ऑफ सॉर्ट्स, कुछ चीज़ों में आपने गलती की है, तो उस गलती को आप अगर मान लें तो अच्छा है। कई बार आप अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं कि हाँ मैंने ये गलती की, तो गलती को मान लीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, तो यहाँ पे लालच थोड़ा सा आ रहा है, आप एक साइड पर झुक रहे हैं, अपने प्यार को एक साइड पर झुका रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो देख नहीं रहे हैं। द फूल, तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा, उसके बारे में आप ना पूछिए। एस ऑफ सॉर्ट्स, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, कुछ डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, चाहे वो डिसीजन बहुत ही हार्ड क्यों ना हो हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, वो डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। फोर ऑफ वॉन्ट्स,
तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, एक सेलिब्रेशन का मौका आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो प्यार को संजो के रखने का एक मौका आपको मिल रहा है, तो उस प्यार को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। पेज ऑफ कप्स, तो आप जो दिल में ठान रहे हैं वो डेफिनेटली हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों के बारे में आप संजीदगी ना बरतें। और फाइनल टैरो कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटैकल्स। तो किंग ऑफ पेंटैकल्स में क्या है कि एक फीमेल पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही मायने रहेगी, तो उस फीमेल पर्सन को आपको ढूंढना है, उसके ज़रिए आपको साथ मिल सकती है, उसके ज़रिए आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। लकी चार्म, तो लक आपका ज़ोर शोर से है, तो अगर आप लक को यूज़ करना चाह रहे हैं ये सही मौका है। मैनिपुलेटिंग, तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली को आप मनवा ले तो ये भी सही टाइम है। से हेलो, तो कम्युनिकेशन बन सकता है, कम्युनिकेशन आपके लव के साथ हो सकता है, अगर आपने अब तक अपनी फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है उस इंसान का, तो ये सही मौका है। लॉकडाउन का पीरियड है, आप सब घर में ही हैं, तो ऐसे में आप थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू वीडियो चैट, थ्रू व्हाट्सअप उस इंसान के बारे में अपनी फैमिली को बता सकते हैं। इट्स ड्रीमिंग, तो ये ड्रीमिंग चल रही है आपके दिल में और आप चाह रहे हैं कि कब उस इंसान से आपकी मुलाकात हो पाए। आई मिस यू, तो आपके इमोशंस हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हैं। अमेजिंग मैसेजेस रिवर्स, किसी कारणवश आपके मैसेजेस इंसान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड आ रहा है एंटरटेनमेंट, तो आपको बस याद रखना है कि लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहें, और जो डिसीजन प्यार के बारे में आप ले रहे हैं वो दोनों साइड से सही हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।